अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक और मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं अपना व्लॉग जो है वो शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ, ठीक है, तो मतलब प्रोफेशनल लाइफ में चली गई हूँ, तो उसकी वजह से मुझे टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलता है। इतना होता है कि बस मैं वापस घर अगर पहुँचती हूँ तो बच्चों के साथ टाइम होता है, बस उसके बाद बाकी घर के काम करने होते हैं, जिसकी वजह से मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो ये था हमारा ईद का व्लॉग, जिसमें बच्चों ने इन्जॉय किया। हमने बच्चों को ईद पे जो है वो पार्क में लेके गए, और ये है आई व्यू पार्क। तो यहाँ पे बच्चों ने इन्जॉय किया, सही बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे, और थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये है कि आराम से बंदे का टाइम भी स्पेंड हो जाता है। इनके बाबा भी आए हुए थे पाकिस्तान, तो थोड़ा सा और इन्जॉयमेंट हो जाती है, इजी हो जाता है बाहर घूमने फिरने के लिए, हम लोग ईज़िली निकल जाते हैं। और ये है बेसिकली इस पार्क का व्यू जो मैंने रिकॉर्ड किया था अपने कैमरे के अंदर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो नई चीज़ हमें देखने को मिली। हमने कहा इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि कैसा पार्क है। तो अच्छा सा उन्होंने एक बनाया हुआ था एरिया, जिसमें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लेइंग एरिया भी था, और पानी देख के तो और बंदा फ्रेश हो जाता है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है आजकल मौसम ही इतना अच्छा है। तो ये हमारे दिन का टाइम था जिसमें हम लोग सेवर गए थे कुछ खाने पीने। नहीं बस मैं आने वाली हूँ, ये थोड़ी सी व्लॉग में आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ। इसके बाद मेरा पार्सल आया था जो ईद से पहले मैंने ऑर्डर किया हुआ था दराज से, और वो कुछ किचन की चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करती चलूँ कि मैंने क्या चीज़ें ऑर्डर की थी। अब आप देख सकते हैं कि इसका तकरीबन मैंने जो है बॉक्स ओपन कर लिया है, और इसमें से जो चीज़ें लिखने की वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ये मैंने फॉयल शीट मंगवाई थी कबर्ड्स में लगाने के लिए। तो ये बॉक्स था जिसमें मैंने कहा था कि चलो मैं जो है ना धनिया वगैरह या मिर्ची वगैरह कट करके फ्रिज में रखने के लिए, ये सेपरेट पोर्शन थे इनके, चार पोर्शन थे जिसमें आप जिंजर गार्लिक भी कट करके फ्रिज के अंदर जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने डोनट मेकर मंगवाया था दराज से, इसमें आप मिक्सर डाल के डोनट जो है वो बन जाते हैं। इसके अलावा मैंने शीट मंगवाई थी ये, उसके अलावा ये सिलिकॉन के जो है ये मोल्ड मंगवाया था चॉकलेट्स के लिए, कभी बच्चों का दिल करता है तो उनको कोको पाउडर से बना के दे सकती हूँ। और दूसरा ये फ्राइंग के लिए मंगाया था, ये नूडल्स के लिए मंगाया था, अच्छा खासा, ये इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके अलावा ये मैंने चॉपस्टिक्स मंगवाए थे, इसको हम कह सकते हैं वो बारबेक्यू स्टिक्स जिसको कहते हैं, जिसमें आप लगा के जो ईज़िली इसके अंदर वो कर सकते हैं। स्पैचुला मंगवाया था, ये मोबाइल होल्डर है, इसके साथ स्टिकर मिला था जो कि दीवार के साथ अटैच हो जाता है, उसको अटैच कर लेते हैं। कुछ हुक्स वगैरह मंगाई थी, पानी की बोतल मंगवाई थी जो शावर बोतल होती है, उसके अलावा ये लाइट्स थी, एलईडी लाइट्स जो होती हैं ये मंगवाई थी मैंने। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सामान आ गया था मेरा, और आया लेट था, मैंने रमज़ान से पहले, सॉरी ईद से पहले लास्ट डेज में ऑर्डर किया था, बट मुझे ईद के बाद एक हफ़्ते बाद मिला था ये ऑर्डर, बट सब कुछ अच्छा था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।